आज दिनांक 26 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल में युवा मतदाता महोत्सव मनाया गया। सुप्रभात, मैं मोहम्मद जैद असलम कक्षा 8 से विद्या के मंदिर में उपस्थित परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विराजमान समस्त विशिष्ट जन सुयोजक सर विंग कमांडर प्रधानाचार्य जी एवं मेरे उपस्थित साथियों को मैं नमन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 25 जनवरी को यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी लोकतंत्र के पोषक हैं। भारतीय लोकतंत्र की गणना एक सफल लोकतंत्र के रूप में की जाती है। मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपका वोट है आपकी ताकत, आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की यही है लागत। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की गणना एक सफल लोकतंत्र के रूप में की जाती है। हम सभी लोकतंत्र के पोषक हैं। इस लोकतंत्र की नींव और अधिक प्रबल, सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को। इसलिए छोड़ दो अपने सारे काम, छोड़ दो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। क्योंकि चुनाव के माध्यम से हम एक सुयोग्य और एक सचित्र नेतृत्व का चयन करके अपने भारत को, भारतीय संविधान को और इस लोकतंत्र को और अधिक परिपुष्ट बनाते हैं। आज हम सभी को इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके चुनाव में अपना भाग लेना है। आज हम सभी को इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक वोट देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। मतदाता लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। संविधान द्वारा हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम अपने वोट का सही उपयोग कर देश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकें। और मतदान के लिए जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि मतदान को लेकर जब तक हमारे अंदर जानकारी नहीं होगी तब हम अपने मताधिकार का कैसे सही उपयोग कर पाएंगे। जब तक मतदाता जागरूक नहीं होगा लोकतंत्र कैसे मजबूत बनेगा। इसलिए जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज भी देश का एक ऐसा बड़ा तबका जिसके पास मत देने का अधिकार तो प्राप्त है उसको, लेकिन वो अपने महत्व को नहीं समझता। लोगों में चुनाव के समय वो उत्साह नहीं होता, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते और उनको ये ज्ञान नहीं कि वो अपना एक कीमती वोट देकर देश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान कर सके। चलो देश को उन्नति की राह पर ले चले हम, चलो देश को उन्नति की राह पर ले चले हम, चलो आज सब मिलकर मतदान करें। केवल सोच बदलने की जरूरत है। हमारे देश में 75 से 70% युवा आबादी है। इस युवा शक्ति को जागृत होने की आवश्यकता है। हमें सांप्रदायिकता तथा जातिवाद से ऊपर उठकर अपने देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए हर वो कार्य करना चाहिए जो हमारे देश को सुखद और समृद्धशाली बनाए। 18 वर्ष की उम्र कर ली पार, अब मिला वोट का अब अधिकार। युवा हो तुम देश की शान, युवा हो तुम देश की शान, जागो उठो करो मतदान। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा का बबुल बजाया जा चुका है, ऐसे में यह प्रण लेना होगा कि प्राणों में ले संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्त, तुम चढ़ो हाई के शिखरों पर, इंद्रियों सुखों से ले विरक्ति। जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे उस दिन एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जो कि निर्भय, निष्पक्ष एवं निष्कलंक होगा। अपने एक वोट को समझकर, जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर अपने मत का सही उपयोग करना करते हुए मतदान करना भी एक प्रकार की देशभक्ति है। आज जरूरत है इस बात की कि समय समय पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर ऐसे आह्वान किए जाएं जिसमें संकल्प किया जाए। संकल्प राष्ट्र निर्माण का होना चाहिए, संकल्प आत्मविश्वास का, संघर्ष का, भविष्य का और राष्ट्र के निर्माण का। क्योंकि जब कोई राष्ट्र संघर्ष से भराता है तो उसमें एक सच्चे देशभक्त पनपते हैं और हम ही वो लोग हैं जिनका संघर्ष इस देश को अंधकार रूपी अंधकार से दूर करेगा।
जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और बांटेगा रोशनी अपनी, और बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफ्ताब इस जमीन से निकलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।